अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आर इन फैशन में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आपको अपने सामान में रखे। तो कि जो है ना, आज मैं आपके लिए दामन की डिज़ाइनिंग लेके आ रही हूँ, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो ये उसके लिए हमें ना ये लेस चाहिए, और ये कमीज़ का यानी कि इस तरह से दामन कटिंग किया हुआ पीस हो। इसके अलावा इस तरह से एक इंच की, एक से डेढ़ इंच की इस तरह की चौड़ाई पट्टी हो, और लंबाई जितनी भी जाए, क्योंकि हमें इसकी डिज़ाइनिंग में बहुत सारी पट्टियां तैयार करनी है। और इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करना है, दोनों साइड सिरे मोड़ के, और फिर इसको इतनी पट्टी को मोड़ना है। इस तरह से इस तरह से हमने ये पहले से तैयार की हुई है। टाइमिंग कम होती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि चलें जल्द और कम टाइम में आपके लिए हम बहुत यानी कि अच्छी सी डिज़ाइनिंग ला सकें, तो इसलिए हमने ये पट्टियाँ तैयार की हुई हैं। और इसको जो है ना, इस पेपर पे ये न्यूज़पेपर लेना है, इसके ऊपर डिज़ाइन करना है। इसको जो है ना, ये 2 इंच की हम लोगों ने ये पेपर काटा है इस तरह से, 2 इंच 2 पॉइंट ऊपर ये, तो ये जो है ना, अभी ये पट्टियाँ इसी साइज़ की हमने सारी काटनी है। सारी इसी तरह से कट कर लेनी है इसी साइज़ की। तो इसके मैं आपको अभी कटिंग करके दिखाती हूँ। ये हमारा जो कमीज़ का दामन है वो जो है ना 20 इंच का है, तो इसलिए हम इस पट्टी को भी 20 इंच का ही निकालेंगे। अब इसके सेंटर में इस तरह लाइन डाल लें इस तरह से। अब इसके सेंटर में ये तमाम पट्टियाँ रखते जाएं और सिलाई लगाते जाएं इस तरह से। इस तरह से और हमने एक छोटी सी पट्टी तैयार की है, ये बारीक सी, इसके ऊपर रखनी है यहाँ पर सेंटर में। इससे ये होगा हमारा डिज़ाइन जो है ना सेंटर में बिल्कुल पक्का होगा, इधर उधर यानी कि काल यानी कि डोरियाँ खुलेंगी नहीं, इसलिए इसको सेंटर में रख के ऊपर से सिलाई लगानी है इस तरह से। ये देखिए हमारी ये डिज़ाइनिंग यहाँ से तैयार हो गई है। अब इसे जो है ना, हमने सिलाई में सारी कवर करना है इन पट्टियों को। एक पट्टी इस तरफ करते जाएं और दूसरी यहाँ से यूँ इस तरह करते हैं। इस तरह से इसी तरह हमने ये सारी साइड मुकम्मल करनी है। देखिए हमारी एक साइड तैयार हो गई है, अब इसी तरह हमने दूसरा साइड तैयार करना है इस तरह से। ये देखिए इसी तरह से सारी पट्टियाँ तैयार कर लेंगे। अब मैं करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी ये डिज़ाइनिंग तैयार हो गई है। अब जो है ना, हमने कुछ पेंटेक्स डालने हैं इसके दामन में,
शर्ट के दामन में। ये सीधी साइड है, इस पट्टी को साइड पे कर देते हैं। तो अब जो है हमें इस तरह से इस साइज की पेंटिक्स डालनी है सारी। ये जब एक अभी अभी लगा के आपको दिखा रही हूँ, तो दूसरी जो है ना मैं फिर आपको अभी बताती हूँ। ये देखें इस तरह से एक प्लेट हमने डाल दी। अब इसके बाद इसी तरह से हम लोग चाहे मर्जी 3 डालें, 4, 6, जो जितनी मर्जी डालें। तो अब हम दूसरी डालेंगे ये। अब इस तरह से कपड़े को और रखना है यूँ करके, और ये सिलाई लगा दी। बस ये ध्यान में रहे कि इसके ऊपर सिलाई ना चढ़े। ये देखिए हमें नीचे का बॉर्डर हमारा तैयार हो गया। इसे हम कट कर लेंगे, बीच में से कट करके फिर डिज़ाइनिंग लगाएंगे इसके साथ। अब इस तरह की पेंटिक्स हमें ऊपर वाली साइड में और डालनी है। अभी इसी यानी कि सामने के दामन में बीच में कट करके पहले नीचे की हमने लगा ली इस तरह से। इसके बाद जो है ना हम अब ऊपर वाली डिज़ाइनिंग की लगाते हैं। ये लीजिए हमारी ये डिज़ाइनिंग सारी तैयार हो गई। इस तरह से सारी पेंटिंग्स डल गई। अब ये रुख जो है ना नीचे की तरफ जा रहा है, वो भी नीचे की तरफ ही आएगा। इसे हमने पेंटिंग इस तरीके से डालें कि सारा प्रेस होगा तो इस साइड पे आ जाएगा। तो अब जो है ना इसे मैं ये लेस लगाने का तरीका बताती हूँ आपको। इसी तरह सारी लेस लगानी है पहले। अब ये जो है ना इस पट्टी को हम पहले ये जो हमने डिज़ाइनिंग तैयार की है इसको इस कपड़े में कवर कर लेंगे, ताकि हमारे ये धागे जो है ना ये डिज़ाइनिंग के बाहर ना। ये देखें जी इस तरह से हमने ये पट्टी लगा ली। अब इसके ऊपर जो है ना हम इसे यू करके ऊपर सिलाई लगा देंगे, ताकि हमारी डिज़ाइनिंग जब ऊपर आए तो ये नीचे वाला जो हिस्सा है ना ये भी नज़र ना आए, और ये जो है ना कपड़ा भी इसके अंदर छुप जाएगा यूँ इस तरह से। बिल्कुल नीचे से भी ऐसे साफ आएगा, ऊपर से भी। ये देखें इस तरह से अब ये जो हमारी डिजाइनिंग इसके ऊपर आ जाएगी। ये देखें जो अब ये जो जोड़े हैं इसके साथ हम जॉइंट कर देंगे। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर जॉइंट लेस भी लगा सकते हैं। तो इसके नीचे जो है हम लोग फिर वही लेस लगाएंगे जो ये वही लगाई है। अब इसके दामन पे हमारे लेस लगाते हैं। इस लेस को हम पलटे के साथ लगा रहे हैं इसलिए कि ताकि ये सफाई नीचे से भी साफ आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन नज़र आए ऊपर से भी।
ये देखिए हमारी डिज़ाइनिंग तैयार हो गई है। अब जो इसको ये अखबार हमने नीचे से लगाया इसलिए इसको रिमूव कर देंगे। और ये जो है ना, इसको अगर आप चाहें तो तुरपाई करें, चाहें तो सिलाई लगा दें, लेकिन तुरपाई से ज़्यादा बेस्ट रहता है।